कहते हैं ना जिंदगी की रेस में दौड़ना पड़ेगा, कहते हैं ना जिंदगी की रेस में दौड़ना पड़ेगा, इन फालतू कामों को ना छोड़ना पड़ेगा। वड़ा पाव जहाँ पे बिकता है ना वहाँ पे 40-50 का बिकता है, मैं 20 रुपए का खिला रहा हूँ। भाई पूरी दिल्ली में हो रहा है वड़ा पाव, यही 12 साल के बच्चे ने भी लगा रखा है वड़ा पाव, सभी दीवाने हो रखे हैं आपके वड़ा पाव में। क्या मिला रहे हो ऐसा? क्या मिला रहे हैं? हाँ वड़ा पाव खिला रहे हैं, टेस्ट मिला रहे हैं। अच्छा क्या खास बात है आपके वड़ा पाव में? 20 रुपए 20 रुपए। क्या पैसे नहीं है? चुरा लो, चुराने के बाद हाथ मत आना, नहीं तो घर से उठवा लेंगे। और मैं चुरा के भाग गई तो? चुरा के भाग गए तो बोला तो है घर से उठवा लेंगे। मैं घर का एड्रेस ही नहीं दूंगी फिर? तो ढूंढ लेंगे घर। अरे वाह, पक्का मुझे ढूंढ लोगे? हाँ। अच्छा जी, अच्छा ये वड़ा पाव बनाना कहाँ से सीखा? कहाँ से सीखा? हमारी मुंबई में दुकान थी, पापा ने सिखाया है। अच्छा ये बताओ, आजकल एक दीदी बहुत वायरल हो रही है, तो उनके वड़ा पाव के लिए पूरी दिल्ली के कोने कोने से लोग जा रहे खाने, तो तुम्हारे पास क्यों नहीं आ रहे? क्या कहना चाहोगे? अरे मैं बच्चा हूँ ना, बच्चे के देख के कोई खाने नहीं आ रहा है। अच्छा बच्चे हो तो ये बताओ, तुमने 12 साल की उम्र में क्या सोच के वड़ा पाव लगाया? मुंबई में हमारी दुकान थी नाला सुबारा में, वहाँ पे लॉकडाउन लग गया था, फिर लॉकडाउन के बाद दिल्ली आ गए, वड़ा पाव लक्ष्मी नगर में कार्ड खोल लिया हमने। पापा की पैर में चोट लगी हुई है, कमर में दर्द रहता है, उनसे ज्यादा देर खड़ा नहीं हो जाता, तो मैं हेल्प कराने के लिए आ जाता हूँ। सपना है मेरा IAS बनने का, मम्मी पापा का सपना है। अच्छा जी, इसलिए तुम वड़ा पाव लगा रहे हो यहाँ पे? हाँ मैं पापा की हेल्प कराने के लिए आता हूँ। कहते हैं ना जिंदगी की रेस में दौड़ना पड़ेगा, कहते हैं ना जिंदगी की रेस में दौड़ना पड़ेगा, इन फालतू कामों को ना छोड़ना पड़ेगा। 20 रुपए में खिला रहा हूँ, मैं टेस्ट दे रहा हूँ, मुंबई वाली फीलिंग आएगी पूरी। अच्छा वो 50 में बेच रहे हो और तुम 20 में बेच रहे हो, क्वालिटी में कुछ तो फर्क होगा? नहीं मैं टेस्ट दे रहा हूँ, मुंबई में हम 12 रुपए का बेचते थे वड़ा पाव, दिल्ली में 20 रुपए का बेच रहे हैं। असली मुंबई वाला वड़ा पाव तुम्हारा है या उन दीदी का है? मेरा है। अच्छा पक्का? पक्का। नॉर्मल बटर, नॉर्मल वाला 20 रुपए का है, बटर वाला 30 रुपए का है। पक्का असली बटर है या नकली दे रहे हो? अमूल बटर लगाता हूँ, असली बटर, तभी 10 रुपए फालतू ले रहा हूँ। जी वड़ा पाव बनाना कहाँ से सीखा? कहाँ से सीखा? हमारी मुंबई में दुकान थी, पापा ने सिखाया है। अच्छा अब ये कर क्या रहे हो बताओ तो सही? ये वड़ा बना रहे हैं। अच्छा बताओ एक बार कैसे बनाते दिखा दो। हाँ ये वड़ा बना रहे हैं, अब हमने पाव ले लिया, पाव में लगाएंगे हम, पाव में अब सेक के अब लगाएंगे इसमें बटर, अमूल क्या गया बटर, भर भर के, भर भर के। सेक लिया, अब इसमें लगाएंगे हम हरी चटनी, या गया लाल चटनी, या गया घाटी मसाला, ये आ गया वड़ा गरम गरम, या गई लाल चटनी, आ गई हरी चटनी, ये मिर्ची आ गई अनलिमिटेड उछालने वाली। ओ वाओ, चलो।